व्हाट्सएप मिल जाए आप लोग कैसे, आई होप कि आप लोग ठीक ही हुए। तो आप लोग सामने कमाल वीडियो से आ चुके हैं, और आप लोग भी मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सो फाइनली गाइस आप लोग देख लीजिए कितना खतरनाक कितना डार्क फोटो है। तो आप लोग मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग जैसे ही फोटो में डार्क एडिटिंग कीजिएगा ना, तो आप लोगों का फोटो बेहद ही ज़्यादा लुक आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना देरी का वीडियो स्टार्ट कर ले। तो उससे पहले अपना ओरिजिनल फोटो ले लेते हैं। देख लीजिए ये मेरा ओरिजिनल फोटो है, आप लोग यहाँ पे मैं जूम करके बता दे रहा हूँ कितना बेकार फोटो है। आप लोग मैं बता दे रहा हूँ आपको, मैं ऐसा फोटो एडिटिंग आप लोग को करके दिखाने वाला हूँ। देख लीजिए आपका भाई कुछ इस प्रकार का एडिटिंग आप लोग को सिखाने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग को वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो आप लोग कुछ ना कुछ जरूर सीखिएगा मेरे चैनल से। और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सो फाइनली जैसे बिना देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, इसको हम लाइट रूम अप्लीकेशन में यहाँ से शेयर कर लेना है। देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों को लाइट रूम अप्लीकेशन में यहाँ से शेयर कर लेते हैं। और ऊपर से ऐसे खींचेंगे तो आप लोग देख लीजिए लाइट रूम अप्लीकेशन का यहाँ पे शो करेगा। तो क्या करना है, आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है और सीधा लाइट रूम अप्लीकेशन में चले जाएगा। सीधा लाइट रूम अप्लीकेशन में जाने के बाद आप लोग क्या करना है, आपको आल फोटोज पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। आल फोटोज पर जैसे ही आप लोग क्लिक कर दीजिएगा तो देख लीजिए यहाँ पे मेरा फोटो आ चुका है। देख लीजिए मेरा यही ओरिजिनल फोटो है। तो सो फाइनली मेरा एक प्रीसेट है, आप उस प्रीसेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को सारा पीएनजी मैं वहाँ पर देता हूँ, आपको कोई भी पीएनजी डाउनलोड करना हो तो आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना, आपका भाई है वहाँ पर, आप लोग ज्वाइन कीजिए, आप लोग कोई भी पीएनजी वहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को प्रीसेट दिखा दे रहा हूँ कौन सा प्रीसेट है, यहाँ पर देख लीजिए। तो यही मेरा प्रीसेट है, आप लोग मैं दिखा दे रहा हूँ कितना खतरनाक प्रीसेट है। आप लोग कुछ इस प्रकार का एडिटिंग करना चाहते हैं तो देख लीजिए, इस प्रीसेट को आप लोग यूज कीजिएगा तो बेहद ही खतरनाक एडिटिंग होगा। आप लोग देख लीजिए इसको यूज कर दिखा दो, इसको थ्री डॉट पर क्लिक कर दीजिएगा। थ्री डॉट पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर कॉपी सेटिंग पर आप लोग क्लिक कर देना है। कॉपी सेटिंग पर जैसे ही क्लिक कर दीजिएगा और इस सारा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। तो आप लोग क्या करना है, इस सारे बॉक्सों में टिक लगा के यहाँ पर डन कर देना है और बैक आ जाना आपका, और उसके बाद अपने ओरिजिनल फोटो में चले जाएगा। ओरिजिनल फोटो में जाने के बाद फिर से थ्री डॉट पर क्लिक कर दीजिएगा, और थ्री डॉट पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप लोगों को पेज सेटिंग का ऑप्शन देगा। देख लीजिए पेज सेटिंग का ऑप्शन देगा, पेज सेटिंग पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग पेज सेटिंग पर क्लिक कर दीजिएगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। देख लीजिए एक ही क्लिक में मेरा फेस गोरा सब कुछ हो गया, लाइट रूम अप्लीकेशन का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, देख लीजिए। उसके बाद हम शेयर कर लेते हैं सीधा ऑटोडेस्क अप्लीकेशन में, यहाँ से देख लीजिए हम शेयर कर लेते हैं ऑटोडेस्क अप्लीकेशन में। सो फाइनली देख लीजिए हम ऑटोडेस्क अप्लीकेशन में आ चुके हैं। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग सिर्फ इस पे ब्रश वाला आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, और इस पे क्लिक कर देने का आप लोग क्या करना है, आप लोग को इस ब्रश को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे आप लोग टिक बता रहा हूँ, आप लोग इस ब्रश को सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पर सेटिंग पर आप लोग क्लिक कर देना है। सेटिंग पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर देख लीजिए कितना लाइब्रेरी पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, और आप लोग इस ब्रश को ले जाने के बाद इसको आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर देने के बाद फिर से सेटिंग पर आप लोग क्लिक कर देना है, और सेटिंग में क्लिक कर देने के बाद देख लीजिए फॉलो 3 रहेगा और स्टैंड को आप लोग 15 रख लीजिएगा और साइज अपने हिसाब से, और देख लीजिए यहाँ पर फोटो को जूम कर लीजिएगा और कुछ इस प्रकार का आप लोग को राउंड राउंड चलाना है। यहाँ पर देख लीजिए कुछ नहीं करना, आप लोगों को राउंड राउंड चलाना है। देख लीजिए जहाँ जहाँ आप लोगों को ब्लैक है वहाँ आप लोगों को राउंड राउंड चलाना है। देख लीजिए कितना खतरनाक तरीका से स्मूथ हो चुका है, पूरा एक लेवल में स्मूथ हो रहा है। आप लोगों को कुछ इस प्रकार का स्मूथ करना है, हड़बड़ाना नहीं, आप लोग को आराम आराम से कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं बिना देरी का वीडियो फास्ट कर देता, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो फाइनली देख लीजिए मेरा ऑटोडेस्क एप्लीकेशन फेस स्मूथ हो चुका है। तो आप लोग क्या करना है, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, और इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से शेयर पर क्लिक कर दीजिएगा। शेयर पर क्लिक कर देने के बाद आप लोग को यहाँ पे सेव टू डिवाइस लिखा हुआ है, सेव टू डिवाइस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। सेव टू डिवाइस पर क्लिक कर देने में आप लोगों को फोटो सेव हो जाएगा। देख लीजिए थोड़ा ही देर में आप लोगों का फोटो सेव हो जाएगा। सो फाइनली देख लीजिए मेरा फोटो सेव हो चुका है, देख लीजिए। सो फाइनली देख लीजिए मेरा फोटो सेव हो चुका है। तो आप लोगों को ब्लर करने नहीं आता होगा, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि फोटो रूम से ब्लर कैसे किया जाता है, आप लोग देख सकते हैं पिछले वीडियो को आप लोग देख लीजिए। चलिए मैं ब्लर करके रखा हूँ ऑलरेडी, आप लोग भी ब्लर कर लीजिएगा। तो मैं ब्लर हुआ वाला फोटो ये ले लेता हूँ, देख लीजिए मैंने ब्लर करके ऑलरेडी रखा हुआ है, आप लोग को भी ब्लर करके रख लीजिए। फोटो रूम अप्लीकेशन में ब्लर होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, फोटो रूम अप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोग को फोटो ब्लर कर लेना है। चलिए इसको हम शेयर कर लेते हैं यहाँ से पिक्सआर्ट अप्लीकेशन में। कुछ नहीं करना आप लोग को,
यहाँ से पिक्सार एप्लीकेशन में शेयर कर लेना है, देख लीजिए। चलिए देख लीजिए, हम पिक्सार एप्लीकेशन में आ चुके हैं, अपना फोटो देख के लेकर शेयर कर लिए हैं, पिक्सार एप्लीकेशन में शेयर कर लिए। तो आप लोग कुछ करना है, आप लोग को यहाँ पे एड फोटो का ऑप्शन दे रहा है, आप लोग को देख लीजिए यहाँ पे एड फोटो का ऑप्शन दे रहा है, आप लोग को एड फोटो पर क्लिक कर दीजिएगा। एड फोटो पर जैसे ही क्लिक कर दीजिएगा तो देख लीजिए जो फोटो आपने ऑटोडेस्क अपने एप्लीकेशन में स्मूथ करके सेव किया था उसी फोटो का आप लोग को ले लेना है। देख लीजिए इस फोटो को हम ले लेते हैं और यहाँ एड पर क्लिक कर देंगे, और एड पर क्लिक कर देंगे ऐसे छोटा कर लेंगे, और इस फोटो को आप लोग को बराबर में रख देना है, ऐसे बराबर में जूम कर लेना है, और ऊपर इरेज का ऑप्शन देगा, इरेज पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। इरेज पर क्लिक कर देने के बाद आप लोग यहाँ देख लीजिए इन्वर्ट का ऑप्शन देगा, आप लोग इस इन्वर्ट पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। इन्वर्ट पर क्लिक कर देने के बाद आपको इस ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है, इस ब्रश को सिलेक्ट कर लेने के बाद देख लीजिए ऐसे करके जूम करके आप लोग को फोटो रूम पर चला लेना है। देख लीजिए जैसे आप लोग फोटो रूम पर चलाइएगा तो आपका फोटो रूम मिट जाएगा, तो आपको यहाँ पर डन कर लीजिएगा। और डन करने के बाद देख लीजिए मेरा हेयर अभी छोटा छोटा लग रहा है, तो आप लोग को हेयर बना करने नहीं आता होगा, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर हेयर को आप लोग ऐसे करके उठा सकते हैं। देख लीजिए आप लोग क्या करना है, टूल्स पे आप लोग को क्लिक कर दीजिएगा, टूल्स पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे स्ट्रेच पर क्लिक कर दीजिएगा, और स्ट्रेच पर क्लिक कर देने के बाद देख लीजिए फिर से वार पर क्लिक कर दीजिएगा, इसका साइज 100 रख लीजिएगा, ऐसे जूम करके हल्का, आप लोग ज़्यादा नहीं जूम करना, हल्का जूम करना, ऐसे आप लोग को हेयर को ऊपर कर सकते हैं। देख लीजिए आप लोग को हेयर को ऊपर कर लीजिएगा, हेयर को ऊपर कर लेने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ से आप लोग को डन कर लीजिएगा, और डन कर देने के बाद देख लीजिए फिर से आप लोग इफेक्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए इफेक्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। आप लोग देख लीजिए यहाँ कलर्स का ऑप्शन दे रहा है, आप लोग देख लीजिए यहाँ कलर्स का ऑप्शन दे रहा है, कलर्स पर आप लोग क्लिक कर देना है, और आप लोग यहाँ पे कलर वाला पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का लोडिंग लेगा, देख लीजिए, और एक बड़ा सा गोला बन के आएगा। आप लोग देख लीजिए इसको पकड़ करके क्या करना है, इसको पकड़ करके बैकग्राउंड में छोड़ देना है। जैसे ही छोड़ दीजिएगा आप लोग का कलर देख लीजिए कितना खतरनाक तरीके से चेंज हो रहा है। आप लोग इसमें जो सा कलर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो जो फाइनली देख लीजिए हम जो थंबनेल में दिखाया था वही कलर आप लोग मैं करके दिखाऊंगा। देख लीजिए जो कलर मैं थंबनेल में दिखाया था वो कलर मैं करके दिखा देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को डन कर देना है। देख लीजिए यहाँ पर डन कर देंगे आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप लोग टी शर्ट कलर करने के लिए आप लोग मैं एक सीक्रेट ट्रिक बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग क्या करना है, इफेक्ट पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, इफेक्ट पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, देख लीजिए, और उसके बाद यहाँ देख लीजिए कलर्स पर आप लोग क्लिक कर देना है। आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोग को इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, इस वाला को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। देख लीजिए इस पर आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा तो आपका फोटो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे ऐसे करके देख लीजिए यहाँ पे फिर से क्लिक कर दीजिएगा, आप लोग जो अच्छा लग रहा है आप लोग वो रख सकते हैं। तो देख लीजिए हम यहाँ पे इसको फिर से इरेज पर क्लिक कर देंगे, और इरेज पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ देख लीजिए इन्वर्ट पर आप लोग क्लिक कर देना है। देख लीजिए इन्वर्ट पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, और इन्वर्ट पर क्लिक कर देने के बाद और ऐसे फोटो को जूम कर लीजिएगा, और ब्रश को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और थोड़ा हार्डनेस और साइज को बढ़ा लीजिएगा, और अपने टी शर्ट पर चलेगा। देख लीजिए अपने टी शर्ट पर चला लीजिए, देख लीजिए कितना खतरनाक तरीका से मेरा टी शर्ट कलर हो रहा है। आप लोग भी ऐसे कलर चढ़ा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चमक आएगा कपड़े में। आप लोग देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा चमक आएगा कपड़ों में, आप लोग कुछ नहीं करना, आप लोगों ऐसे जूम करके आराम से कपड़े पर चला लीजिएगा। तो सो फाइनली गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए मैं फटाफट अपने टी शर्ट को कलर कर लेता हूँ। सो फाइनली गाइस देख लीजिए मेरा टी शर्ट का कलर हो चुका है, आप लोग कुछ करना है, टी शर्ट का कलर हो चुका है, तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को यहाँ से डन पर क्लिक कर दीजिएगा। डन पर जैसे क्लिक कर दीजिएगा तो आप लोग इसको जैसे जिस तरह बढ़ाएगा तो आप लोग को यहाँ पर देख लीजिए उसी तरह आप लोग कलर होगा। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग कलर चेंज भी कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा ब्लू कलर आप लोग थंबनेल में, तो मैं ब्लू कलर कर लेता हूँ। देख लीजिए जो कलर था वो मैं कलर कर लेता हूँ, और उसके बाद क्या करना है आप लोग को यहाँ पर डन कर लेना है। देख लीजिए यहाँ पर डन कर दीजिएगा, और डन कर देने जो भी मेरा PNG है सब मैं ऐड कर लेता हूँ। तो आप लोगों को PNG डाउनलोड करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए एड फोटो को हम PNG फटाफट ऐड कर लेते हैं। सो फाइनली देख लीजिए मेरा सारा PNG ऐड हो चुका है, तो आप लोग क्या करना, मैं एडजस्ट करके बता रहा हूँ, वैसे वैसे आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को सारा PNG को ऐसे साइड में रख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग को PNG एडजस्ट नहीं हो पाएगा। सारा PNG आप लोग साइड में रख लेना है, तो पहले एक PNG का आप लोग ऐसे करके यहाँ पे पट्टी के ऊपर आप लोग को लगा देना है। देख लीजिए पट्टी के ऊपर लगा देना है, तो आप लोग देख लीजिए अभी थोड़ा फेक सा लग रहा है, तो आप लोग को बता दे रहा हूँ इसको डार्क कैसे करेंगे। आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देगा, यहाँ पर देख लीजिए मल्टीप्लाई ब्लेंड का ऑप्शन दे रहा है, ब्लेंड पर आप लोग क्लिक कर दिया, ब्लेंड पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है। देख लीजिए मल्टीप्लाई पर कर देने के बाद आप लोग देख लीजिए कितना रेडेड लग रहा है। और उसके बाद क्या करना, आपको दूसरा PNG ले रहना है, आप लोग क्या करना है इसको दूसरा PNG को
देखिए मैं ये पीएनजी का आप लोग लेता हूँ और इसको भी वैसे ही ब्लेंड पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। देख लीजिए ब्लेंड पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। ब्लेंड पर आप लोगों को थोड़ा कट गया है, देख लीजिए ब्लेंड पर क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद यहाँ से स्क्रीन कर लीजिएगा। स्क्रीन कर इसको जूम करके कोने में लगा लीजिएगा और फिर से दूसरा पीएनजी ले लीजिएगा और इसको भी ब्लेंड पर क्लिक करके और स्क्रीन कर लीजिएगा और इसको यहाँ पर लगा लीजिएगा। और उसके बाद देख लीजिए इस पीएनजी को साइड में रख लीजिएगा और सबसे बेवफा वाला पीएनजी को क्या करना है, फिर से ब्लेंड पर क्लिक, इसको भी स्क्रीन करके और यहाँ पे रख लीजिएगा। यहाँ पर रख देने के बाद को क्या करना है, और इसको ब्लड वाला जो है कट का उसको यहाँ पे हैंड पर आप लोग ऐसे करके लगा लेना। देख लीजिए आप लोग को हैंड पर लगा लीजिएगा, ऐसे करके हैंड पर आप लोग लगा लीजिएगा और इरेज पर क्लिक कर दीजिएगा। इरेज पर क्लिक कर देने आप लोग देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर लीजिएगा ताकि रियलिटी लगे। आप लोग यहाँ पर इरेज कर लीजिए, जैसे इरेज कर लेते हैं तो फाइनली आप लोग देख लीजिए मैं सारा पीएनजी ऐड कर चुका हूँ। तो आप लोग क्या करना है, इस पर आप लोग को यहाँ पे डन का ऑप्शन दे रहा है, डन पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा और डन पर क्लिक कर देने के बाद देख लीजिए यहाँ पर आप लोग नीचे ड्रॉ का ऑप्शन देगा, आप लोग ड्रॉ पर क्लिक कर दीजिएगा। देख लीजिए आप लोग ड्रॉ पर क्लिक कर दीजिएगा और ड्रॉ पर क्लिक कर देने के बाद आप लोग क्या करें, थ्री डॉट पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पर क्लिक करके या सेव इमेज पर क्लिक कर देके फोटो सेव कर लीजिएगा। सेव कर देने के बाद आप लोग सीधा गैलरी में चले जाएगा और फोटो अपना देख लीजिए सेव हुआ है कि नहीं। तो सो फाइनली का देख लीजिए मेरा फोटो सेव हो चुका है। अब इसको क्या है, फोटो देख लीजिए यहाँ पे फेस में थोड़ा रेड रेड आ चुका है, आप लोग रेड रेड हटाना चाहते हैं तो देख लीजिए आपको यहाँ से स्नैपसीड एप्लीकेशन में ले जाइएगा, स्नैपसीड एप्लीकेशन में शेयर कर लीजिएगा और इसे टूल्स पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। और टूल्स पर क्लिक कर देने में आप लोग क्या करना है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर सिलेक्टिव का ऑप्शन है, सिलेक्टिव को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस पर सिलेक्ट कर देने बाद देख लीजिए थोड़ा जूम कर लीजिएगा और ऐसे करके इस पर रख के और इसका सिचुएशन माइनस कर लीजिएगा, देख लीजिए और ब्राइट को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा तो आप लोगों को रेड रेड है जो भी हट जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, फिर से आप लोगों को टूल्स पर क्लिक कर देना है और टूल्स पर क्लिक कर देने के बाद देख लीजिए आप लोगों को फिर से इस पर क्लिक कर दीजिएगा। देख लीजिए मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिएगा और इस पर क्लिक कर देगा, इसको पकड़ के थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा तो थोड़ा मेरा चेहरा बहुत ही खतरनाक लुक में आ जाएगा, देख लीजिए। और उसको देख लीजिए उसके बाद यहाँ पे डन का ऑप्शन लिखा हुआ है, डन पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। डन पर जैसे क्लिक कर दीजिएगा आपका फोटो सेव हो चुका है। चलते हैं हम गैलरी में, देख लीजिए तो मेरा फोटो सेव हो चुका है। तो सो फाइनली गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स बिना देरी का अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।